सामने अरे दो अनुष्का क्या हुआ भाई तीनों का करते हम लोग पहला ये एक इधर ये मांगे अरे जरा फर्स्ट ट्राई इन सेंटर मांगे या ओलो की जैसे राइट साइड राइट से स्टार्ट करते हैं राइट से स्टार्ट सर वन सेकंड होल्ड ऑन यस स्टेट यस मैम या जरा लुक एट लुक एट लुक एट लुक एट यस सेंटर सेंटर हम सेंटर प्लीज ऑल ऑफ सेंटर सेंटर प्लीज यस स्टेट सेंटर एक्सक्यूज मी सर सर सेंटर पे भाई मोबाइल भी कर रहा है जय जी कैमरा नाउ वी हैव टू स्टार्ट यू आर राइट या या यू आर राइट चलो चलो अरे चलो ना हाथ में दे चला चला हर लड़की का सपना जो हमेशा साथ दे और साथ रहे जिसको मेरा साथ एक फर्ज ना लगे बल्कि आदत बना ले आदतों का क्या है आदतें तो बदली जा सकती हैं उसके हिसाब से जिसके साथ आपकी शादी हो जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बने जिसे मैं अपनी बातें बता सकूं और जो अपनी बातें मुझे बताए बंद किताब सी है मेरी जिंदगी जिसका हर एक पन्ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करता परफेक्ट पति तो वो होता है जो मेरे बिना कुछ मेरे बोले मेरा चेहरा पढ़ ले क्या कहते हैं ये क्वालिटी उसमें हो तो क्या बात है सब कुछ चेहरे पे कहां लिखा होता है कुछ राज तो दिल में भी होते हैं जिन्हें जानना पति का हक होता है विधिता रिश्ते की परिवार की अहमियत जानती है बहू कम और बेटी ज्यादा ऐसा लगती है रहा मेरे बेटे पुष्कर की पुष्कर इससे ज्यादा कौन जानते हैं जिम्मेदारी एक परफेक्ट बेटा एक परफेक्ट भाई भी है पर क्या है परफेक्ट भाई और परफेक्ट बेटा मेरा परफेक्ट पति बन पाएगा स
सवाल आपको छोड़ती हूँ. Let's give a round of applause, guys. Introducing the team of Perfect Pati. Sally, Sanjeev as Vidita, Ayush Anand as Pushkar Rathod, and we're very excited to have with us the legendary star Jaya Ji for the first time. सभी को नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत सालों के बाद आपके बीच में आई हूँ वापस. वही जयप्रदा, वही गोरी है कलाइया, वही डफली वाली. इस बार एक नई रूप, एक नई किरदार से, राजश्री राठौर इस नाम से मैं आपके सामने आ रही हूं. जब पहला कदम टीवी शो के लिए सेट पे जब आई और कदम रखने के लिए मैंने सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से एक स्ट्रगलर हूं और पहली बार मैं शूटिंग करने के लिए जा रही हूं. क्योंकि सबने मुझे कहा था कि टीवी शो आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनका नेचर अलग है, वर्किंग नेचर अलग है, फिल्मों का अलग है. तो मैंने सोचा था कि ये सही है, ये गलत. पर आई फील प्राउड, आई एम थैंकफुल टू NTV, आई एम थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स, आई एम थैंकफुल टू माई डायरेक्टर उत्तम, मैं बेटा, मैं बेटी, मैं पूरी परिवार के साथ मैं आपके सामने आई हूँ. बहुत अच्छा लगता है. मेरा पैशन डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. पर मैं अकेली नहीं थी, आप सबके साथ चल रही थी, आपके साथ रही. कुछ पल के लिए मैं दूर गई, पर ये अच्छा भी हुआ है, क्योंकि लोग समझते थे कि जयाप्रदा के पास टाइम नहीं है. टू प्रूव ए पॉइंट, आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम फॉर माई आर्ट एंड कल्चर. मुझे लोगों से बेहद प्यार है और लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं. इसलिए मैं कभी कहीं नहीं जा सकती, कभी अलविदा नहीं कह सकती. आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है. राजश्री राठौड़ एक अलग अंदाज से आपके सामने आएगी, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न है, लेकिन अपने परिवार के लिए, वो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकती है. पर शी इज द ओनली डिसीजन मेकर. आजकल मॉडर्न जमाने में हम सोचते हैं, सारे बच्चे सोचते हैं कि परफेक्ट पति कैसे रहना है, किसको हम परफेक्ट पति बनाएंगे. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगी सब कुछ तो आप शो देखना, शायद सब कुछ हम सीक्रेट बता देंगे तो आप नहीं देख पाएंगे. इसलिए हम आपको इस वक्त पर, इस मोड़ पर मैं छोड़ूंगी आपको. आपको देखना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में एक ऐसे कैरेक्टर भी चाहिए जो लोगों के सोच विचार को बदल सके. वो है ये परफेक्ट पति. तो मैं चाहती हूँ कि हर बेटे पे, हर पति पे, हर भाई में ये लगना चाहिए. ये क्या परफेक्ट पति हो सकता है? ये क्या परफेक्ट पति होएगा? सो दैट इज लेफ्ट यू ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. लेट्स हियर इट फ्रॉम सायली एंड आयुष लेटर ऑन द कैरेक्टर. हेलो एवरीवन, नमस्कार. परफेक्ट पति मेरे जिंदगी का बहुत बहुत ही सुंदर मोड है, ये मैं कह सकती हूँ. क्योंकि कुछ साल पहले महाराष्ट्र ने मुझे अपनाया कायदिया परदेश के नाम से, और अभी शायद पूरी दुनिया मुझे अपनाएगी परफेक्ट पति के नाम से. सो थैंक यू सो मच NTV
थैंक यू सो मच फिल्म फार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू सो मच रूपक मैम, पिंटू सर और मेरी पूरी टीम, थैंक यू सो मच जया जी, थैंक यू आयुष और परफेक्ट पति की पूरी टीम जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। और जया मैम ने तो बता दिया आपको परफेक्ट पति क्या है, मैं हमेशा अभी मुझे मेरे मुंह में ही ये बैठ गया है, परफेक्ट तो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, परफेक्ट ही यार। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको विधिता पसंद आए और ये परफेक्ट पति, ये परफेक्ट पति एक कंसेप्ट जो है ये भी आपको पसंद आए। तो हम पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको खुश करने की, थैंक यू सो मच। आयुष, हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को लेके, अपनी कास्टिंग टीम को लेके, अपने कास्टिंग डायरेक्टर को लेके, अपनी क्रिएटिव टीम को लेके। थैंक यू सो मच आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इतने बड़े शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और जया मैम के साथ काम करने के लिए। मैं एक बार छू के तसल्ली कर लूँ कि सपना तो नहीं है ना। ओके, सो इट्स अ रियलिटी। जहाँ तक मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ, पुष्कर राठौड़, ऑल्दो टाइटल परफेक्ट पति है, बट पुष्कर ये मानता है कि परफेक्ट पति वो है जो अपनी पत्नी को तराश कर परफेक्ट पत्नी बना सके। तो उसका जो प्यार करने का तरीका है एक अनोखा ही है, उसके तरीके से सही। वो ये मानता है कि जो उसका है सिर्फ उसका है और सिर्फ उसी का हक है उसके ऊपर। और कैरेक्टर को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो अनप्रिडिक्टेबल। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो नेक्स्ट मोमेंट क्या कर लेगा। तो यही USP है कैरेक्टर का। तो आई होप आपको पसंद आएगा और उससे भी ज़्यादा हमारा शो पसंद आएगा बिकॉज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। I'd like to now call upon the head and TV, Mr. Vishnu Shankar, and our producers, Rupali Guha and... A latest addition to this cut, our portfolio is Perfect Pati, which basically gives a fresh perspective to the portrayal of mother-in-law on screen. And it also gives a new view on how today's daughter-in-law, being the woman of today, deals with her life challenges. We are proud to announce this new concept, which will prove to be a catalyst of change. And along with that, we are very happy that a person of stature of JRG is leading this show. We are very hopeful that our viewers will like this concept from the House of Family. Thank you. Rupali, I'm proud and very honored to say that today Jaya ji is starting her Hindi television career with the Zee family and it's Ali's first in the main lead. So it's a first of sorts for everyone. And I just hope the show, as the promised is, because as Ayush said, we really worked very hard on it. And perfect pati jo hai, har ladki ka sapna hai, ek perfect pati, getting the perfect. If the pati does not turn out to be perfect, ladki ke family ke ilawa, ladke ke family ka kya us honored. And I'm so thankful that Zee and has even thought of such a progressive show. Thank you very much. Hi everybody. सबने इतना कुछ कह दिया, I really don't know what to say. मैंने अपना भी कहीं ना कहीं राइटिंग करियर जी के साथ ही शुरू किया था, विद छोटी बहू बेटियाँ एंड स्टफ एंड लॉट्स ऑफ शोज विद देम, एंड इट्स अ बिग ऑनर टू डू दिस शो। लाइक रूपाली जी सेड, वी आर ट्राइंग टू, अभी हम मैंने पीछे किसी को सुना तो मुझे ये कहना कि हर शायद आदमी सोचता है वो परफेक्ट है, पर लड़की कितना सोचती है पति परफेक्ट है। आई थिंक ऑल द वुमेन हियर विल अग्री विद मी कि इतना परफेक्ट होता है कि नहीं होता है, दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट। एंड हमने अपनी तरफ से अटेम्प्ट किया है कि थोड़ा सा थैंक्स टू अ शो विच स्टैंड्स आउट, डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ शो, डू अ शो दैट स्टैंड्स आउट। वी आर ट्राइंग टू डू दैट। कहीं ना कहीं एक लड़की को हक है परफेक्ट पति ढूंढने का, एंड अगर वो हक पूरा नहीं उसको या उसको मिलता नहीं है परफेक्ट पति, डज शी हैव अ राइट टू मेक अ चॉइस, another choice in life is what the show is about. So ye ek different thanks to Rupali ji, I'm very excited to do the show for
this channel, and obviously working with Jaya ji is an honor. So we hope the show touches you the way it's touching us. Jitni hum mehnat kare jitni. Cheers. Rupali, Damini, Jaya ji, and Vishnu. मैं सबसे पहले तो मेरे प्रोड्यूसर्स रूपाली मैम और पिंटू सर के को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और डेफिनेटली एंड टीवी फिल्म फार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मैं एक रीजनल शो से हिंदी टेलीविज़न पे आ रही हूँ, तो मुझे लोकल से नेशनल तक का सफ़र है, तो मुझे इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने चुना, यही बहुत बड़ी बात है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ, और परफेक्ट पति डेफिनेटली बहुत अलग कंसेप्ट है, जो आप क्या बोल सकते हैं कि हर एक लड़की का सपना होता है परफेक्ट पति, वैसे ही विदिता का भी है, लेकिन उसका उसे जो परफेक्ट पति मिलता है वो सच में परफेक्ट है कि नहीं, आप देखना। ओके, परफेक्ट पति से ही बात करते हैं जी। सबसे पहले तो किरदार के बारे में बताइए, अलग ही तरह का नेगेटिव रोल है जी। ओके, जैसा इन्होंने कहा, मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को लेके, अपने कास्टिंग टीम को लेके, चैनल को लेके, क्रिएटिव डायरेक्टर्स को लेके, जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कैरेक्टर प्ले कर सकूँ, और जया मैम के साथ और साइली के साथ, इट्स रियली अ प्लेजर वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। जहाँ तक परफेक्ट पति की बात करूँ, जो मेरा कैरेक्टर है पुष्कर राठौड़, वो जैसा आप ट्रेलर में भी देख रहे हैं, तो उसका ये मानना है कि परफेक्ट पति वही है जो अपनी पत्नी को तराश के परफेक्ट पत्नी बना सके। अब वो कितना परफेक्ट होता है इनके हिसाब से, वो तो आपको शो ही देखना पड़ेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँगा तो ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग दोनों के हिसाब से देखा जाए तो रियल लाइफ में परफेक्ट पति और परफेक्ट पत्नी किस क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस बारे में बताइए। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट पति मतलब वो इंसान, ऐसा इंसान चाहिए मुझे जो जेन्युइन हो हर एक चीज़ में, तो वो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट पति मतलब ऐसा इंसान चाहिए जो जेन्युइन हो दिल से, तो वो अपने आप परफेक्ट बन जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। सर, मेरे हिसाब से परफेक्ट जैसी चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है। हो सकता है कि क्वालिटीज़ जो आपके अंदर हो मुझे वो डिसक्वालिटी लगे, या मेरे अंदर कोई डिसक्वालिटी हो तो इन्हें क्वालिटी लगे, तो जो इंसान जैसा है वैसा रहे वही परफेक्ट है। That's it. अपने आप से ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता, आपको खुद को एक अंदर की कॉन्शियसनेस बता देती है अगर आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आप उसी अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपनी गलतियों को समझिए, उन्हें सुधारिए, परफेक्ट बन जाएंगे। जब आप लोगों को पता चला जया मैम के साथ काम करने वाले, क्या रिएक्शन था, कैसा माहौल रहता है सेट पे, मतलब कुछ एक्सपीरियंस आप बता दीजिए। जया मैम, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि एक ऐसे मतलब
ऐसे हंसती है वो कि उनके साथ काम कर रहे हैं हम, जिन मैं बचपन से मतलब जिनको मिलने के सपने देख रही हूँ उनके साथ वो कितनी सारी फिल्में कर चुकी है. तो इट्स लाइक कि ऐसे भी नहीं है कि ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था. इसीलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं नहीं बोल पाऊंगी इस बारे में, लेकिन बस आई एम ब्लेस्ड कि आई एम वर्किंग विद. क्या रिएक्शन क्या था जब फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा आपको कि जया मैम के साथ में काम कर रहे हैं? मेरा तो रिएक्शन ही नहीं था क्योंकि मैं असिस्टेंट थी. ओ ओके ठीक है अच्छा, इतना ही था मेरा कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं ऐसी ठंडी थी मुझे. यार मुझे जब जिसने फर्स्ट टाइम बताया था कि मेरी मॉम जया प्रदा प्ले करने वाली हैं, तो मैंने कहा पागल है तू, इसलिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता. चलो ठीक है, फिर मैंने कहा देखते हैं सेट पे. जब सेट पे सीन लगा और मुझे जाके उनसे फ़र्स्ट टाइम मिलना था, इंटरेक्ट करना था, बहुत नर्वसनेस थी. मतलब इतनी नर्वसनेस थी कि मैं बटरफ्लाइज एक्चुअली फ़ील कर पा रहा था अपने स्टमक में. और जब फर्स्ट सीन स्टार्ट हुआ, हेलो हाय सब हो गई, फिर भी लग रहा था कि सुपरस्टार हैं, कुछ गलत ना कर दूँ, गलती से छू ना दूँ. तो उस सीन के दौरान मुझे अभी भी याद है, वो मंदिर के आगे जाके हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, तो मैं सर को बोलता हूँ कि सर क्या मैं हाँ, तो मैं सीन के बारे में बता रहा था. तो सीन ऐसा था कि वो मंदिर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हैं, तो मैंने डायरेक्टर सर को बोला सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो मेरे को उनसे बात कहनी है मैं पीछे से आऊँ और उनका हाथ पकड़ के बोलूँ. मैं कहा आप उनसे पूछ लो, को कंफर्टेबल तो होंगी ना कि मैं उनका हाथ पकड़ूंगा. तो मैं इतना नर्वस था. और जहाँ तक मैं जया मैम के बारे में बताऊँ, इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज इंटरव्यू चल रहा है एंड ऑल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, शी इज़ वेरी स्वीट. मतलब वो हर किसी का ख्याल रखती हैं सेट पे, फ्रॉम द डायरेक्शन टीम टू द प्रोडक्शन टीम, अपनी टीम, हम को एक्टर्स, ड्रीम टू वर्क विद, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेशनल एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस. ओके थैंक यू सो मच, वेलकम.